पूरा मेड़ा कमाए जी जान से लोग लाग रहे एक मना से बराबर तैयारी चल रही है। कोई कमी बेसी रह जा तो सरपंच जी सोना को दाते जो को देख लीजो दे दिलराज जी जाए दिल के ऊपर राज करे भाई मेड़ा का माध्यम से लोग आज सोचेला की भाई बेरी कमा बहुत अच्छो मजो आयो। अबाला टाइम में मैं को बदराणो तो कड़े थे वो नागोरालो फेल हो जाएगो अब तो गांव में जवानों की फौज इतनी आई थी कोई हमला करने वाला भी आ गया तो उसको वापस नहीं जाने देंगे यहाँ से। मेला को मारो मकसद पैसा कमावा को नहीं है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज अपनी लोकेशन है जगी गांव बेरीकमाइन है। अब कई कारण है, एक पीछे कारण वो है कि अत्ता दिन पशु मेला की बात आती है ना, अपना अड़ोस पड़ोस का माइन है बद्राणो नाम आतो, लेकिन कई वर्षा सु बद्राणो गायब हो और बद्राणा के नाम पर सिर्फ राजनीति है जखी आवीरे में। लेकिन बेरी गांव के माइन पशु मेलो व किसाना के लिए भरियो जावे जखा कटे न कटे या सोचे के बहुत दूर है मान जानो पड़े, अपना ऊंट है घोड़ी है बन लेर दूसरी जगह जानो पड़े तो बन आस पास के मायने पूरी व्यवस्था मिल जा तो पशु मेलो सीकर को पहलो पशु मेलो इस गा आयोजित करो जा रहे है बेरी गांव के द्वारा और बेरी गांव का बूढ़ा बुजुर्ग लेर जवान टाबर तक सगड़ा एक मायने बढ़ चढ़ हिस्सो लेबा लाग रहा है। पूरी प्रोसेस कहीं है कहीं कहीं व्यवस्था एक मायने राखी है कद्दू मेला को आयोजन करो जा रहे है सारी डिटेल है जखी आऊ ले और थारतानी बात है जकी पूछावा और थारतानी पूछ रही है जना जल्दी सीख आ जाओ क्योंकि सीकर को पहलो पशु मेलो है जो को बेरी गांव में लाग रहे है। राम राम जी। राम राम साहेब। राम राम। तो गांव के मायने और सीकर को सो पहलो पशु मेलो थारे ही गांव में आयोजन हो रही है की साबू आयोजन की साबू प्लानिंग करी है क्योंकि बद्राणो थारो पड़ोस के मायने नौलगढ़ के मायने हो जो को अब गायब हो गए है। नहीं गायब हो गो लेकिन आप बेरी गांव 18 तारीख से 25 तारीख तक भरवा रहा और बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। एक मना से बराबर तैयारी चल रही है और मेड़ो बढ़िया तरीका से भरवाऊंगा। बढ़िया तरीका हूँ। बदराने की कमी महसूस को नहीं हो बिल्कुल ही को नहीं हो बिल्कुल ही को नहीं बदराना जोड़ा से शानदार भरवाऊंगा। अरे सरपंच जी कह दियो बदराना जोड़ा हूँ शानदार भरा दे और कोई कमी बेसी रह जा तो सरपंच जी सोना को दांत है जो को देख लीजो दे तो बदराना की कमी है जकी पूरी करबान बेरी गांव है आगे हुए है कहीं कहीं एक मायने व्यवस्था जखी बा किसान और पशुपालक ने मिलसी जखी एक मेला का मायने वो जरूरी है। बद्राणा को मेड़ो पूरा राजस्थान में एक अलग पहचान राख दो। अब बैठी क्यों को नहीं भरियो जा रही हो नहीं भरियो जासी भरियो जासी मैं भी चीज पर जानो ही खुन जावा। मैं एक ही चीज देखी कि भाई बद्राणा में 2-3 साल से मेड़ो को नहीं भरियो जा रही हो तो बा एक चुनौती ही और बेरी का लोग अता दमदार ही माटी का माती खुशबू है कि अठे चुनौती अवसर के रूप में बदरबान से लोग तैयार रहे। बिल्कुल मैं भी मौका की तलाश में और ग्राम पंचायत आगे हुई गांव का से लोग जुड़िया और ते चारों मेर देख रहे हो कि देखो मारे सू जका उम्र दराज आदमी जाए मान लो 50-55-60 का भी ही और 18 ताने की युवा की नई फौज दिख रही है अति मतलब मेला के प्रति अतो उत्साह है लोगों का मन जो तो आपने जो त्योहार आवे दिवाली आवे बिल्कुल एक अलग ही यहाँ सोचा कि भाई बहुत बड़ो त्योहार आ रहे तो मैं मेला ने एक त्योहार के रूप में चलावांगा। तो एक मायने काई व्यवस्था बा पशुपालका के लिए जोखो एक मेला के लिए आवश्यक संसाधन है काई एक मायने फीस राखी है पूरी डिटेल बात बताओ एक बार। देखो फीस है जी की 100 रुपया एंट्री फीस है और 500 रुपया छापा का लगेगा। अच्छा तो कुल मिला के एक पशुपालक पर 600 रुपया को खर्च आसी बाकी सारी की सारी व्यवस्था है जो हमारे बजरंग जी चौहान साहब ही अन संयोजक बनाए ही बीरबल जी मूंड ही बस संयोजक ही और बाकी सब लोग आप आपकी जिम्मेदारी से केवल आ कोनी की भाई केवल ग्राम पंचायत और बजरंग जी और बीरबल जी ही सब लोग आ सोचे कि वो मेलो आपनो है सेको है और पूरा मेला कमाए जी जान से लोग लाग रहे पूरे गांव को है पूरा सीकर को ही है सीकर को कोनी अठिन झुंझुनू भी तार पड़ोस में रहेगो शुरुआत हकाड़ा सीमा पर थे ही हो पहली चोट। नहीं देखो हरियाणा तक का लोग अतो उत्साह कर रखे क्या सुबह ही मार्गन फोन आ रही हो कि भाई तारो लोकेशन बताओ मुख्य बद्राणा सु 6.5 किलोमीटर चल जाए जो तानबेरी लाज जैसी चालनो खटी ना बद्राणा सीकर का नहीं बद्राणा सीकर का नहीं तो अपना आप बन पतो लाग जैसी और एक तो जोरदार मेलो है कि जे दिलराज जी आ जाए तो दिलराज जी जे दिल के ऊपर राज करें भाई ये मेला का माध्यम तो थारो प्यार प्रेम है। देखो भाई ये मेला का माध्यम से लोग आ सोचेला कि भाई बेरी कमा बहुत अच्छो मजो आयो हर चीज की सुविधा होगी पानी की है बिजली की है मनोरंजन की है और मारो उद्देश्य केवल मेला मनोरंजन करने को नहीं मारो उद्देश्य वो है कि जकी संस्कृति अपनी पुरानी संस्कृति ही कला ही संस्कृति ही आज जकी दबरी है बिन वापिस चाहवा कि एक नई संजीवनी दी जाए
इलिए ताने हर प्रकार की अलगोजा की अति जोरदार खुशबू देखने के लिए मिलेगी ताने कि सारा लोग एकदम जज जाएगा अपनी माटी पूरी महक जैसी एक तरीके महक जाएगी। और मैं दिलराज जी ने 1825 ताई ओ मारो पीड़ा चावल ही तान तो रोजी ना रेजो बुलाबा की जरूरी को नहीं हो मेरो नंदे रो है मैं बाहर दौड़े अशुभ पहली बार 25 तारीख ने जब 18 मेला में लोग वापिस जाएगा तो ताने बांगा चेहरा के ऊपर की खुशबू नजर आएगी यार बेरी कमा मेलो के मेलो ही है। बिल्कुल पशुपालकों के लिए सारी व्यवस्था जितनी पंचायत में बैठ मीटिंग करेगी के व्यवस्था होनी चाहिए तो बिजली पानी मेन सुविधा है तो इसके लिए खेल बना दी गई है। पहली एक खेल गिरधारी सिंह की बैठे अपने खेत के सारे है बा होगी एक बड़ी खेल अठा बना दी सरपंच जी और एक आध और बनावा की प्लानिंग है पर अब देखो टाइम थोड़ा कम है तो बिजली की पानी की कोई मतलब बढ़िया सुविधा है थ्री फेज कनेक्शन है बड़ा मोटर लाग रही है 24 घंटा पानी की सुविधा रहसी पच टैंकर वगैरह भी हटाए लगा दिशा पानी का और फूस पास की व्यवस्था मतलब टोटल खाना की भी व्यवस्था हटा होगी अच्छा। फूस की भी व्यवस्था होगी दूर से जहाँ किसान आवेगा वहाँ के लिए सारी व्यवस्था रहेगी लाइट की पानी की रेबा की सब व्यवस्था रहेगी तो वही कमान है पूरा गाँव बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं और तैयारी थे देख ही रहे हो 5-7 दिन से पूरा ग्राउंड है जो देख सको पूरा तैयार हो रहा क्यों है यहाँ लगे के सीकर को स्टेडियम वही है दूसरी जगह जानो ही न पड़े दिया मांगे बजरंग सिंह के वो लोडर है ट्रैक्टर है सरपंच जी के ने तो असंख्य साधन है बिल्कुल जी ही मानिए लाख सी के और पशु ज्यादा आ रहा है तो मैंने कैसे तो और 5 बीघा पूरी जमीन है जखी कमाई ने टोटल 1000 बीघा जमीन है अच्छा तो भी कमाई ने मतलब आसपास का गांव में भी अति जमीन को नहीं इस गांव में बदराणा को नाम हो भी बड़ी है बिल्कुल बिल्कुल बदराणा ने उड़ीकता किसान परेशान हो गया 3-4 साल हो लगी मेड़ो पर वो बंद हो गयो आसपास का किसान काफी निराश आ और वो बेरी गाँव ने धन्यवाद है की सगड़ाई में भाग ले और वो शुरुआत कर रहा है अब वाला टाइम में मैं को बदराणो तो कटे थे वो नागौर वालों फेल हो जाएगा। एक अफवाह और चल रही है कि बेरी गांव के मायने जो मेलो है बिक मायने छापा का रुपया आता है 1100 रुपया प्लस फीस है यानी की अफवाह भी चल रही है अगर थे सुनी हो तो बिन भी एक बार क्लोज है जो करा दियो के बा अफवाह सही है की साबू गलत है बात सगली गलत है सीरा से खारिज है यानी की अफवाह अगर कोई है पहली बात तो है कौन है तो वह हवा के अंदर है कोई अफवाह को नहीं है की 100 रुपया एंट्री फीस और 500 रुपया छापू। दूसरी बात ही मेला को जो सौ बड़ो मकसद है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है अच्छी जमीन है सबसे बड़ी चीज यही चाहिए पानी भी है बिजली भी है और पब्लिक भी अच्छी है और चारे आके मेलो भरे और सदुपयोग भी हो दूसरी बात किसान प्लेटफॉर्म मिले बिल्कुल पशुपालक भाई अपना आवे तो माने गाँव का बाकी सेवा करने का अवसर मिले सबसे बड़ी बात यह है और भी प्रयास ने मैं आगे बढ़ाऊ प्रयास कर बाकी अठो किसान भाई जब भी मेलो कम्प्लीट हो जावे भी टेम्पेज की मुस्कान ले जाए वो मारो मेला को प्रतिफल टाइम हो जब ऊंट घोड़ी और भी आप जानवर है जगह जखान लेवा वे हर घर कमाई नजर आता लेकिन खटे ना खटे अपने गांव कमाई ने देखा आना तो विलुप्त बाके कगार पर है क्योंकि एक दो घर कमाई ने ऊंट लाते भी के अलावा कोई को नहीं रखे अब तो आदमी ऊंट बन गया तो क्योंकि बा में पैसे का रिया को नहीं पशुपालन जगह राख था बेगार को नहीं मेहनत को नहीं वास्ते लोग रखे को नहीं और अठे गाँव की जी की व्यवस्था बहुत शानदार है गांव को जो वातावरण बहुत शानदार है आबाला आदमी के लिए कोई व्यापारी आओ कोई भी आओ डांडो बेच वाला हो खरीद वाला हो कोई दिक्कत को नहीं फुल सेवा फुल व्यवस्था गांव बड़ो शांति मिलेगा हर बार व्यवस्था है जगह रखी गई है और पीछे देख सको सब बड़ी बात है ये कह रहा है कि मैं फूस की व्यवस्था है बे है सूखो फूस है बिकी तो चारा की व्यवस्था कर रही है और वो पूरा 1000 बीघा है ये बता रहा है बेरी गांव के मायने वो जोड़ है जो 1000 बीघा है और पूरा हरियो भरियो है हरिया की भी कमी खटे नजर को नहीं आवे के खटे ही घूम फिर चरा लियो बिल्कुल को नहीं आओ साहब हरिया की कोई कमी को नहीं आवे सुखो भी है हरियो भी है चोखा चराओ चोखा बैठो चोखी छाया है देखो बड़ कितना है आराम से बैठो कोई कमी को नहीं आवे देखी अपा व्यवस्था की बात करा तो दुकान है खानो है पीनो है चाय है नाश्तो है हर चीज की व्यवस्था थारे द्वारा हर चीज की हर चीज की दुकान लगेगी स्टॉल लगेगी तिरपाल है जेड़ी है गंडा सी है काश्तकार के लिए जो चीज है वो पूरी लगेगी अच्छा बे सब चीजा भी लग सी बिल्कुल लगेगी सुजानगढ़ से फोन आ रहा है दुकान वाला बैठे दुकान लगावा का भाई जी किराए के दर है किराए ज्यादा कौन ले भाई हिसाब को ले से अच्छा बोले अगर नौलगढ़ में 10,000 रुपया लेता कौन ले वाला तो अठा को कुछ तो रखे वो लोग के दुकान के खातिर तन ज्यादा कौन देनो पड़े तो कुछ तो सोचो लो मिनिमम वो बिल्कुल अभी सोच के आलता को निर्णय को निकले निर्णय को पर ज्यादा भारी को निकला मैं एकदम सुबह आधा ही मान ले आधा ही कम ले बदराणा ने खटा ने खटा है बा कमी महसूस हो रही है अता दिनाऊ लोग की बा कमी पूरी करवा के लिए बेरी गांव है जो को एकजुट हो तो नजर आ रहे है और नजर के मन लगे के बेरी गांव एकजुट ही है हमेशा और युवा बठिन खड़ा है और सब पहले तो सोना की चेन है अंकल जी पेरा की है गड़ा कमाई ने
अंकल जी कोई हमलो तो न हुए जो कोई देख रहे उजालो बटन बंद रह क्या करो। कोई कुत्सियों को हमलो को नहीं, उसके गांव गांव का लोग बहुत जागरूक है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बता रहे हो तो आपका स्वागत बहुत आभार, पूरे बेरी गांव की तरफ से आपका स्वागत है। और ऐसा कोई हमले वाली बात नहीं, नहीं, तो, नहीं बात तो यहाँ तो गांव में जवानों की फौज इतनी है, कोई हमला करने वाला भी आ गया तो उसको वापस नहीं जाने देंगे यहाँ से। आदमियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और यहाँ पर सारी चीजों की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, पशु चिकित्सालय भी है, वहाँ की व्यवस्था भी है और हमारे यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, ट्रैक्टर की सब सारी सुविधाएं सरपंच ने गाँव में कर रखी है और जो जितनी साफ सफाई वगैरह सब कुछ कर रखी है, खाने पीने की चाय की सारी व्यवस्था है, होटल ढाबे सब लगेंगे यहाँ पर और जिसके अनुसार जितनी जितनी जमीन जिसको दी जाएगी ना यहाँ पे भोजनालय वगैरह के लिए होटल और दुकान के लिए तो उसके अनुसार ही उसकी राशि किराए की वसूल की जाएगी। लगभग कितनी दूर दूर फोन अबल आ गया था रेट है आपके पास में? राजस्थान से तो करीब करीब जगह से फोन आए, इसके अलावा पंजाब से फोन आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, झारखंड तक के और यूपी तक के फोन आ रहे हैं कि आपके गाँव में इतना बड़ा मेला पहली बार भर रहा था, हम लोग यहाँ पर काफी संख्या में आएंगे। नहीं कोई भी पशु लाश का है और एक मैं आपका चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहूँ सब सुन बड़ा। मैं विजेंद्र सिंह काजला ग्राम पंचायत की तरफ से और पूरे गांव के लोगों की तरफ से, राजस्थान के ही नहीं राजस्थान के बाहर भी जो किसान और पशुपालक हैं वो इस मेले में सादर आमंत्रित हैं। जैते जानो देखो गांव को नाम है बेरी, अब बेरी मेरी भी और तेरी भी, बिल्कुल आने वाले के लिए भी बेरी बेरी है और यहाँ रहने वाले के लिए बेरी बेरी है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भारत के जितने भी किसान और पशुपालक हैं इस मेले में बेरी के पशु मेले में उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। और बेरी भी मैं बता दूं कि बेरी बहुत सारी है, अड़ा थे कंफ्यूज मत हो जाइयो, बेरी है नवलगढ़ किलोमीटर है 4 और सीकर किलोमीटर पड़ा है लगभग 20, तो दोनों के बीच का मायने सी गए, थोड़ी दूरी अठीनु कम है, थोड़ी अठीनु कम है कहीं नवलगढ़ से 3 किलोमीटर अठीने कोलिडो आ गयो, हाँ इस साइड में तारपुर आ गयो और अठीने झाझड़ आ गयो, इक बीच में बेरी है और बे कोई मेला को मारो मकसद पिसा कमावा को नहीं है, मतलब लोग जी आभार आपके वहाँ के अभी 1000 रुपया भी की रसीद है फलाना, बिल्कुल ई गांव की बिल्कुल पैसा कमावे की बिल्कुल ही नीत को नहीं है। मैं तो आयोडन की सुविधा के अनुसार बन कम से कम जी वह पर्ची 100 रुपया से कम पर्ची मतलब वह के बिल्कुल, तो वह मिनिमम 100 रुपये की रखिए, 500 रुपये की वह पर्ची रखी तो आप सोच लो मतलब बाकी तो उद्देश्य पैसा कमावे को नहीं, ये मेला ने मैं आगे तक लेर जाबो चाहवा, किसाना के कोई दिक्कत नहीं हुआ, नॉर्मल किसान भी आओ तो और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बा खातर एक सेट हो जावे कि परमानेंट इसका मेलो लाग तो रेवे। और अंकल जी एक चीज थारो और पूछबो चाहूं मैं, मार्जियान का बे खरीदे तो कोनी पण बे ये सोचे के घोड़ीर बे ऊंट पेली नाश्ता भी या करता अठे भी वो काम उसी कोनी हुए आप प्रोग्राम रहसी, हां घोड़ी ऊंट सब नाश्ती पब्लिक जगह देखने के लिए आई भी सी, सारी व्यवस्था है पानी की बिजली की दुकानों की खाने की पीने की, कोई क्रय विक्रय करवा खातर पशु के लिए आवे भी के लिए सारी सुविधाएं भी के साथ है, गांव कोई दिक्कत को नहीं आवेगी और उद्देश्य गांव को है सब मिलजुल कर मेलो भरा रहे, कोई ठेकेदारी पंचायत अकेली नहीं है पूरा गांव साथ है बिल्कुल, और आयड़ा आदमी के लिए कोई सब व्यवहारिक रूप से तैयार है, क्रय विक्रय करे भी के लिए पूंजी ले रोट है कुछ रो कोई बदमाशी वगैरह कुछ नहीं होगी। राम जी राम राम जी राम राम जी, पूरा कटवट लगा जी डाडी तैयार कर रहा कि मन लागे मेला खातर ग्राउंड भी पूरा तैयार कर दियो है, शानदार देख लो एकदम से शानदार कर रखे, एक मनाऊ तैयारी में लाग रहे हो, खटे खटे तक मैसेज पूछायो है लोगा ताने की रूप में और अठे ताने क्योंकि सो बड़ी बात है दूर दूर का लोग आवे एक मायने तो बात आनी है बात भी तो पूछनी चाहिए कि अठे मेलो है तो भी खातर की साबू संपर्क थे करियो लोगा को सोशल मीडिया ने इसे खूब लंबो संपर्क है महाराष्ट्र थारो बा को भी कोई भी लंबो थोड़ा पूरा राजस्थान में कर दियो, हरियाणा यूपी एमपी मध्य प्रदेश जगह जगह फोन आ रहे हैं कि भराओ में सब पहुंच सेठ बिल्कुल जकी कमी जकी महसूस हो रही तो पर्चा छपा छपा भेज दिया बताने सब ने भेज दिया, जकी कमी महसूस हो रही बन पशु मेला की बिन पूरी कर देसे नहीं क्योंकि पशु मेला कुछ ही है जगह राजस्थान का मायना आपको प्रभुत्व रखे, कोई टाइम पर बद्राणा हो बिग बाद में नागौर को पशु मेलो है पुष्कर को मेलो है जिया इस जगह पर आए लेकिन अब सीकर का मायने भी पशु मेलो स्टार्ट हो रहे है, आओ और पशु मेला को आनंद लो क्रय विक्रय करो, धन्यवाद राम राम साहेब।